Assalamualaikum lovely people, I hope आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो लेके आई हूँ अनदर व्लॉग जो है मेन क्लोदिंग के बारे में। सो आज है मेन की बारी क्योंकि बहुत हो गए लेडीज़ गर्ल्स के लिए ठीक है वीडियो। तो आज मेन कलेक्शन लेके आई हूँ मैं। अर्शीन से मैंने कुछ कपड़े बाय की है ठीक है, और मेरी सिस्टर ने अबू के लिए ली है और मैंने भी कुछ बाय की है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कौन से न्यू कलेक्शन आ गए हैं ठीक है, पाशा में एंड नयाब में, और सेल लगी है कुछ कपड़ों पे सेल है वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँ, और जिन पे सेल नहीं है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगी, ये है जी, ये आप चेक कर ले, एंडीकोट आई थिंक है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं चलता ना। तो ये है जी नयाब का, और इस पे लिखा है क्या लिखा है इस पे, ढूंढोगे अगर मुल्क मुल्कों मिलने की नहीं नयाब है हम। अब इसकी लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी बट इन्होंने लिखा है सो इट्स ओके। एंडीकोट यहाँ पे लिखा है, तो लिखा है ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ऐसा लिखना चाहिए था ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों में मिलने की नहीं है नायाब है हम, तो इट्स ओके जैसा भी है उन्होंने लिखा है। तो इधर पे आप देख ले शेड लिखा है ठीक है, पे नेम मेंशन है नयाब का। एंड इस साइड पे हम आते हैं तो आई थिंक यहाँ पे है प्राइस लिखा है, अर्शीन लिखा है, पेर नीचे आप देख सकते हो 6,750 रुपए में जी है ये सूट। सूट कुछ इस तरह का है, बहुत ही नाइस मटेरियल है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये इसका टैग है और इस पर लिखा है तुर्क कॉटन, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे भी पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है ठीक है, और यहाँ पे इनका डिटेल्स लिखा हुआ है सारा, और हैंडमेड लिखा हुआ है बॉक्स का। तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स है, किसी को अगर बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट करना हो कुछ सूट वगैरह भाई को हस्बैंड को अबू को, तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत प्यारी है, तो आप मैं सूट आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का है। आई डोंट नो कैमरा उसको सही तरीके से नहीं पकड़ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, ब्लू कलर है लेकिन डार्क ब्लू, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है ठीक है। तो ये हो गया जी, अब आते हैं दूसरी सूट की तरफ जो है पाशा का ठीक है। तो इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आप इसकी भी देख लो, काफ़ी मज़े की पैकेजिंग है इसकी भी। तो ये है जी पाशा सिल्वर स्ट्रॉम ठीक है, 100 प्योर कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन है आई थिंक, प्योर इजिप्शियन कॉटन ठीक है। तो जी बस, और इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ठीक है। साइड पे यहाँ पे अर्शीन है, पर प्राइस मेंशन है, तो 4,140 रुपीज़ में है ये। मुझे इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा है, और इधर पे भी कुछ मेंशन है ठीक है, नाम मेंशन है इनका, एक हाथ से खुलना मुश्किल है, खुल जाना पाड़ी ना हो। जासिम से माहिर खुल गया, बहुत मेहनत लगी है और थोड़ा सा यहाँ से पट भी गया लेकिन आप लोगों ने जब किसी को गिफ्ट देना है तो इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करनी ठीक है। तो यहाँ पे भी जी इनका नाम मेंशन है, साथ में जब आप इसको ओपन करते हो तो ये इसकी बुक है, साथ में सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, किस तरह आपने इसको वॉश करना है, किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, प्रेस करना है, आई थिंक किस तरह के बारे में लिखा होगा मेरे ख्याल में हाँ। तो ठीक है ये हो गया, एंड साथ में ये इसका टैग है जिसे जो लगाते हो, वही सारा कुछ लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह प्राइस तो नहीं लिखा हुआ है, कपड़े के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप चेक कर ले, कितना ज़बरदस्त है, और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है,
ठीक है। और मटेरियल भी काफ़ी खूबसूरत है, कॉटन मटेरियल है लेकिन ज़बरदस्त मटेरियल है इसका भी, बहुत ही नाइस कलर है, अबू के साथ बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि मेरे अबू जो है ना वो गोरे चट्टे से है, तो ये उसके साथ बहुत मज़ा करेगा। आई होप कि उसको पसंद आ जाए। तो चलते हैं जी तीसरे सूट की तरफ। तो तीसरा सूट भी है आरशीन से, ठीक है, ये भी मुझे काफ़ी मज़े का लगा है, तो ये भी खूबसूरत है बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे इसकी प्राइस नहीं पता क्योंकि सिस्टर ने बाय की है, तो तकरीबन इसकी भी उतनी होगी। इसमें एक जी है ये वाइट वाला, ये कॉटन नहीं है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, बहुत ही नरम कपड़ा है। और इसमें है जी एक ये वाला स्काई ब्लू कलर का, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, शाइनिंग भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा शाइनिंग है आप देख सकते हो। और जी ये फिर मैंने लिया है, ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने सेल में बाई की है जो थोड़े से सस्ते हो गए थे, ठीक है। तो ये जी है, ये भी आरशीन से मैंने लिया है, तो ये भी कॉटन नहीं है, विदाउट कॉटन कपड़ा है, ठीक है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो ये था तकरीबन 1400 का, 1400 का मुझे पड़ा है, ठीक है, ये इन पे सेल लगी हुई थी। और ये भी था तकरीबन 1600 समथिंग का था ये भी। और एक ये वाला है, ये भी तकरीबन 14 से लेके 1500 के रेंज में था, अब मुझे प्राइस याद नहीं है और रसीद भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो ये तीन सूट जो है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पे ऑफ थी, ठीक है, तो ये ऑफ प्राइस पे मैंने लिए। तो हम कपड़े की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट है और स्काई ब्लू तो अच्छा भी लगता है समर में, ठीक है, तो ये इतना मतलब मोटा कपड़ा भी नहीं है, बहुत पतला और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और कलर भी बहुत ही प्यारा है, समरी कलर है, ठीक है, और मटेरियल भी इसका क्वाइट खूबसूरत और अच्छा मटेरियल है। तो आते हैं एक दूसरे सूट की तरफ। तो ये भी काफ़ी प्यारा कलर है, आई थिंक कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में कैमरा इसको अच्छी तरह नहीं पकड़ रहा, लेकिन ये भी मतलब वाइट हाफ वाइट कलर का है और इस पर आप देख सकते हो इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है, डिज़ाइन इसमें अलग डिज़ाइन है, इस तरह आप देख ले, और ये अलग डिज़ाइन है। ये जब मैंने लिया तो मेरे साथ तो और औरत ही आई थी, तो डिफरेंट कलर में उन्होंने भी फिर ले लिया क्योंकि ये मटेरियल इसका काफ़ी खूबसूरत और अच्छा मटेरियल है और समर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा है, मतलब पहने हुए भी अच्छा लगता है और साथ में जो है ना बॉडी भी इसमें इजी रहती है पैर। तो ये भी काफ़ी इसमें कलर और भी थे, अच्छा इसमें भी कलर और ज़्यादा थे, ठीक है, स्काई ब्लू में भी 7 कलर थे आई थिंक, हाँ, और इसमें जो है ना 5 कलर थे, एक पिस्ता कलर था, एक ये था, एक इससे थोड़ा सा डार्क था और एक और कौन सा कलर था, आई थिंक स्काई ब्लू जैसा ही था मेरे ख्याल में, हाँ, तो इसमें भी 4-5 कलर थे, इसमें भी 6-7 कलर थे। और ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये फिर ब्राउन शेड में है, ठीक है, और इसका भी मटेरियल आप देख ले अच्छा है, इसका भी मटेरियल अच्छा है और डिज़ाइन बनी हुई है इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी और ज़्यादा कलर थे, 6-7-8 कलर तो इसमें भी थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला कलर पसंद आया। और गर्मियों में फिर इसको पहने हुए भी अच्छा लगता है ना, मतलब ज़्यादा गर्मी पर महसूस नहीं होती, डार्क कलर में फिर और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। सो जी ये थे बस आज के हमारे कपड़े, आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। और बाकी जो ये थी ये फुल प्राइस में है, ठीक है, जो ये पाशा का सिल्वर स्टॉर्म का है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो सारे भाई लोग थम्स अप करें और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि मेरी वीडियो के फॉलोवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए।
इंशाल्लाह मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।